यहाँ पर एक सवाल है, जब वो पहली बार भूमि में आएगा तो कुछ समझ नहीं आएगा, क्योंकि वहां पे थोड़ी बोलेंगे कि समतल का अंतः खंड स्वरूप यहाँ यूज कर। एक समत, उसमें लिखा है कि कोई समतल है जो अक्षों को बिंदु एबीसी पे काटता है। अभी तक हमने एक बार एक ही बार ऐसा चित्र बनाया सुबह जब बिंदु एबीसी पर काटता है और कुछ नहीं बोला, और साथ में बोला है त्रिभुज एबीसी का केंद्र दिया है और हमें निकालना समतल का समीकरण। तो ये आप सभी से देख रहे हैं कि भाई हमें अंतःखंड चल जाए पता तो हम समीकरण निकाल सकते, पर अंतःखंड दिए ही नहीं है, केवल ये बोला है कि जो त्रिभुज बनेगा उसका केंद्र दिया है। तो अपन ने क्या माना कि जो समतल है वो एक्स अक्ष पे ए अंतःखंड काट रहा है, ये मूल बिंदु आपका ओ, ए अंतःखंड काट रहा है तो बिंदु ए क्या हो गया ए जीरो जीरो, वाई अक्ष बी अंतःखंड काट रहा है तो जीरो बी जीरो, और जेड अक्ष पे सी जीरो जीरो। तो आपको ये लिखने को नहीं माना समतल एक्स अक्ष पे ए अंतःखंड काट रहा है वाई अक्ष बी और जेड अक्ष, आपने ये मान लिया माने उस बात पर्याप्त। तो माना समतल सभी का एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी प्लस जेड अपॉन सी बराबर वन, ठीक स्पष्ट है कि समतल अक्षों को बिंदु ए जीरो जीरो बी जीरो बी जीरो सी जीरो जीरो सी पर काटता है। उनने केवल ए बी सी बोला था, अपन ने क्या बनाए निर्देशांक, कैसे बनाए अपन ने मान लिया कि एक्स अक्ष पे अंतःखंड काट दो एक निर्देशांक बन गया, वाई बी काट दो बी का बन गया, सी काटता तो सी का बन गया, समझ गया मेरी बात। अब उनने क्या दिया, उन्होंने दिया है त्रिभुज एबीसी का केंद्रक क्या है दो माइनस, मतलब ये जो त्रिभुज है इसका जो केंद्रक ये देख रहे आप ये है आपका जी, इसका निशान क्या है दो माइनस एक माइनस। तो केंद्रक का सूत्र क्या होता है देखिए, ए एक्स वन प्लस एक्स टू प्लस एक्स थ्री बटे तीन, याद आया नहीं आया केंद्रक का सूत्र होता है एक्स वन प्लस एक्स टू प्लस एक्स थ्री बटे तीन, वाई वन प्लस वाई टू प्लस वाई थ्री बटे तीन, बिल्कुल भी याद नहीं याद है नहीं याद तो चलेगा, जेड वन प्लस जेड टू प्लस जेड थ्री बटे तीन, तो अनुपात ही बने सूत्र होते हैं। और बताइए जीरो प्लस बी प्लस जीरो बटे तीन, जीरो प्लस बी प्लस जीरो बटे तीन, आखिरी बोलो बटे तीन, ये होते केंद्रक के सूत्र, मतलब केंद्रक के निर्देशांक निकालने का, तीनों को जोड़ो। अभी भी तो कराया था नहीं कराया, ट्वेल्थ में था क्या नहीं हुआ शायद, चलो कोई बात नहीं ठीक है, ट्वेल्थ इलेवेंथ में ही होता है वो तो। अच्छा तो बराबर क्या आ जाएगा आपका बेटा दो माइनस एक और तीन, तो जिनको आइडिया नहीं है त्रिभुज का केंद्र क्या होता है तीनों दिशाओं को जोड़ के तीन का भाग दे दो तो क्या त्रिभुज का केंद्र, तो मैंने तीनों दिशाओं को तीन का भाग दिया केंद्र को सवाल में दिया है तो बराबर मैंने वो लिख दिया, समझ आया। तो यहाँ से ए का मान कितना आ गया बेटा तीन दूनी छः, बी का मान तीन एकम तीन और सी का मान नौ, ये सब मान आप कहाँ रख दीजिए समीकरण एक में, यह मान समीकरण एक में रखने रखने रख दीजिए, x अपॉन सिक्स y अपॉन माइनस थ्री जेड अपॉन नाइन इज इक्वल टू वन, लगो तुम कितना आ गया अठारह, छः तीन अठारह टीचिंग अठारह नौ दूनी, समझ आया सबको तीन एक्स माइनस छ वाई प्लस दो जेड बराबर क्लियर हुआ बेटा। किसी को भी याद नहीं था केंद्रक का सूत्र, केंद्रक क्या होता है केंद्रक भी नहीं याद। अब यहां पर एक सवाल है और ये बहुत कंफ्यूज करता है बच्चों को, ठीक है बंद तो कोई भी केंद्रक कुछ भी दो, लेकिन यहां पे जो केंद्रक है इस सवाल में उन्होंने दिया है ए बी सी, क्या दिया है और ए बी सी अपन मानते हैं अक्षों पे काटे गए अंतःखंड, तो यहाँ से प्रॉब्लम जनरेट होती है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। इतना तो क्लियर है कि अक्षों पे काटे गए अंतःखंड, अब तुम्हें कुछ और मानने पड़ेंगे ठीक है। तो हम लोग मान ले रहे हैं अल्फा बीटा गामा के पी क्यू आर, पी क्यू आर ए बी सी क्यों नहीं मान पाए, तो एक निर्देशांक आएंगे आपके पी जीरो 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 क्यू जीरो और जीरो जीरो आर, स्पष्ट है कि समतल अक्षों को बिंदु पी जीरो 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 क्यू जीरो और जीरो जीरो आर पर प्रतिच्छेद करता है। अब यहां पे त्रिभुज एबीसी का केंद्रक क्या दिया है ए बी सी, तो यहां हो जाएगा क्या आपका ए बी सी और यहां क्या हो जाएगा पी प्लस जीरो और यहां क्यू और यहां आर, समझ आया बेटा।
तो यहां से P का मान आएगा आपका 3A, Q का मान क्या आएगा 3B और R का मान क्या आएगा 3A। ये सारे मान अपन रख देंगे समीकरण एक। सही है बेटा, पूरे समीकरण में तीन का क्या कर दो गुणा, इसलिए तीन कट जाएगा और ये आ गया आपका समतल का समीकरण। अब प्रश्न ये उठता है, समतल का समीकरण x अपॉन a प्लस y अपॉन b प्लस z अपॉन c बराबर 1 होता है कि 3 होता है? तो ये तो 3 आया है, ये तो 3 आया है ना, 1 कहां आया है? यहां abc सर अंतःखंड नहीं है, यहां abc क्या है, अक्षों पर बनाया गया त्रिभुज का केंद्र, यहां abc अंतःखंड है, कंफ्यूज कर रहे हैं, समझ में आ रही बात? करिए तो एक प्रकार से अगर आप केंद्रक भी दिया होते इस सूत्र से आप डायरेक्ट उसका समीकरण भी निकाल देते। दो सवाल जो आपने करे वो आप चाहे तो डायरेक्ट भी कर सकते, बाकी नंबर कट जाएंगे। दोस्तों यहाँ पर एक जरूरी चीज आपको समझनी है, वैसे तो कोई दिक्कत नहीं है समझने में, पर फिर भी देख लीजिए। देखो बच्चों, यदि कोई समतल किसी अक्ष के समांतर, मान लीजिए एक्स अक्ष के समांतर, ठीक है, तो वो एक्स अक्ष को नहीं काटेगा, ठीक है, और आपको लगेगा नहीं ऐसा नहीं सर, जैसे मान लीजिए ये भी तो समानता नहीं है, लेकिन ये काट तो नहीं रहा, नहीं नहीं ये काटेगा, एक्स अक्ष जाएगी और ये भी जाएगा, कभी ना कभी इसको ये काटेगा, बस कब नहीं काटेगा, जब वो कह रहेगा किसी अक्ष के समान, तो जिस अक्ष के वो समानता रहे चलता जाएगा लेकिन वो काटेगा नहीं, तो बन ये मानते कि वो कहाँ काटेगा, अनंत। तो किसी भी अक्ष के या किसी भी समतल के समानांतर, तो मतलब वो उस चीज़ को नहीं काटेगा, तो वहाँ काटा गया अंतःखंड क्या हो जाएगा, अनंत, ठीक है। तो जैसे आपको दो अंतःखंड दिए हैं और साथ में दिया है कि भाई ये समतल जो है वो एक्स अक्ष के समांतर है, तो मतलब एक्स अक्ष पे काटा गया अंतःखंड अनंत, और कुछ खास चीज़ नहीं है, समझ गया मेरी बात को? चलिए तो यहाँ पर फिर लोग अपने तरीके से भी करते, पर मेरा तरीका मुझे सरल लगता है। यहाँ पर हम दिया है लिख लेंगे, दिया है पहले सवाल में दिया है, बताइए दिया है, हाँ समतल x अक्ष के समान, मतलब बस बस आपसे x अक्ष पर काटा गया अंतःखंड a बराबर इन्फिनिटी, समझ आया? बाकी y और z के उन्हें दिए हुए हैं, बताओ वर्तिका क्या दिए हैं, y अक्ष पर काटा गया अंतःखंड b बराबर, z अक्ष पर काटा गया अंतःखंड c बराबर। चलिए अतः समतल का समीकरण x अपॉन a प्लस y अपॉन b प्लस z अपॉन c बराबर 1, x अपॉन इन्फिनिटी y अपॉन 5 z अपॉन 7 इज इक्वल टू 1। किसी भी संख्या में अनंत का भाग दो क्या आता है, 0। तो अब आप देख रहे हैं कि अपन आंसर तो निकालने वाले हैं, पर ये जो आंसर है एक साथ पन्ना कितने हो गए 35 से कम, क्या ये अगर आप गौर करें समतल के समीकरण में x वाला टर्म होता है, y वाला टर्म होता है, z वाला, पर इसमें x वाला टर्म नहीं है, क्यों नहीं है, समझ में आया? तो जब भी कोई समतल का समीकरण ऐसा देखें इसमें x वाला टर्म नहीं, इसका मतलब है वो x अक्ष के समांतर है, और y वाला टर्म नहीं है तो y अक्ष के समांतर है, और z वाला टर्म नहीं, z अक्ष के, तो जो टर्म नहीं है उसके क्या हो जाता है, समान। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे जो समतल है क्या है बेटा, बताओ जरा, बताओ जरा, जिसका y अक्ष पर अंतःखंड क्या है 3 दिया है, आराम से y अक्ष पर काटा गया अंतःखंड b बराबर 3 और समतल zx समतल के समांतर, तो ना z को काटेगा ना x को काटेगा, तो x अक्ष पर, इसलिए x अक्ष पर काटा गया अंतःखंड a बराबर इन्फिनिटी, z अक्ष पर काटा गया अंतःखंड c बराबर, अतः समतल का समीकरण x अपॉन a y अपॉन b z अपॉन c बराबर 1, x अपॉन इन्फिनिटी y अपॉन 3 z अपॉन इन्फिनिटी इज इक्वल टू 1, y अपॉन 3 इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 3। तो आप सीधा भी लिख सकते हैं y इज इक्वल टू 3, लगता है ना कि क्या चल रहा है, सब कुछ समझ में आया बेटा कि नहीं है? तो मेन कंसेप्ट आपको समझ में आया कि नहीं है भाई, बुक्स पे तो सॉल्यूशन देखोगे तो सीधा आंसर ही लिखा है, वाई अक्ष पे काटा गया अंतःखंड 3 है और जेड एक्स समतल के समांतर है, समतल वाई बराबर 3। अच्छा कह रहे ये कैसे आ गया, आपको समझ आया? वैसे आपको याद हो जेड एक्स समतल का समीकरण क्या होता है रोहित,
जेड एक्स समतल का समय, वाई बराबर जीरो, तो उसके समांतर वाई बराबर एक, वाई बराबर दो, वाई बराबर तीन, वाई बराबर पाँच, ऐसे होते हैं। हमें एक सीख मिलती है, वैसे तो आप नहीं लेंगे वो सीख, कि समतल का व्यापक समीकरण ये होता है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी बराबर जीरो। तो काफ़ी ज्ञान आज आपको मिल गया, जैसे कि अगर समतल मूल बिंदु से होकर जाता है तो उसके समीकरण में अचर पद नहीं होता। ये बात मैं आपको बहुत छोटे से बता रहा हूँ कि जिस चीज़ के जो भी चीज़ मूल बिंदु से होकर जाती है तो उसमें क्या नहीं होता, अचर पद। अब अगर समतल कहाँ से होकर जा रहा है, एक्स अक्ष के समांतर है, तो ये एक्स वाला पद नहीं होगा, वाई एक्स के समांतर है तो वाई वाला नहीं होगा, जेड एक्स के समांतर है तो, ठीक है। तो अब हम उस समतल का समीकरण ज्ञात करेंगे जो दिए गए बिंदुओं से होकर जाएगा। वैसे तो हम दिए गए तीन बिंदुओं से होकर जाने वाले समतल का समीकरण ज्ञात कर चुके हैं, हमने सारणिक विधि बना ली थी, तो उससे सवाल क्या हो गया था, सरल हो गया था, ठीक है। और मानना फिर करना क्या पड़ता, मान लीजिए समतल का समीकरण मानो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस, फिर हर बिंदु संतुष्ट करा के अलग अलग समीकरण बनाओ, क्या बनाओ समीकरण, और उन समीकरणों क्या करो हल करो। इसमें काफ़ी टाइम लगता है, ठीक है। पर अब यहाँ पर लिखा है, दिया है समतल एक्स अक्ष के समांतर है, एक्स अक्ष के समांतर, इसलिए माना समतल का समीकरण ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी बराबर जीरो, सही है, सही है। और वाई एक्स के समांतर हो तो वी वाई हटा देना और जेड एक्स और सी जेड। अब बी सी डी के मान आ गए, तुम्हारा समतल का समीकरण आ गया। अब इसी दुख के साथ, यह समतल बिंदु, यह समतल बिंदु, नहीं नहीं उसमें लिखा है बिंदु दो दो एक से होकर, अतः यह बिंदु समतल के समीकरण को संतुष्ट कर दो। वाई का मान कितना रखना है दो, जेड का मान भी कितना रखना है देखो दो बोले, दो बोले कि नहीं बोले, लोग यही करते दो दो और डी का मान ही रख देते, डी के ना हो क्या रहा है। चलिए टू बी प्लस सी प्लस डी बराबर जीरो, समीकरण नंबर, यह समतल बिंदु एक माइनस दो तीन से होकर फिर संतुष्ट करेगा, तो करा लो। बी का मान कितना रखना है, सॉरी बाय का मान कितना रखना है एक, एक रखना है तीन, माइनस टू बी प्लस थ्री सी प्लस डी बराबर जीरो, समीकरण दो। समीकरण एक व दो को बीजगणखंड विधि से हल करने पर लाइन से बी सी डी, मुझे गुणांक बोल दीजिए जरा, दो एक एक, फिर से बोलो माइनस दो तीन एक, दो माइनस दो, शुरू करें, एक एक तीन एक, एक 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 माइनस दो, सही है, बीच में क्या लग जाएगा माइनस, दो तीन माइनस दो एक, और बीच में क्या लग जाएगा माइनस। बहुत देर हो गया यार, सो करते का तो भी बनने सही, चलो ठीक है कोई दिक्कत नहीं। एक एक कम एक, तीन एक कम तीन, माइनस दो छः प्लस दो, माइनस चार बटे आठ। आप चाहें तो उसमें दो का गुणा कर सकते हैं, मतलब हाँ भाग नहीं उसको गुणा बोलेंगे, ठीक है। तो माइनस दो का क्या करने पर गुणा, सभी पदों में माइनस दो का गुणा, नहीं भी करो तो भी चलेगा, आधा सही आएगा, ठीक है। कितना आ गया बात, बी अपॉन वन सी अपॉन टू डी अपॉन माइनस फोर बराबर के, माना क्या माना, अनुपात बढ़ाओ तो कुछ ना कुछ होगा, संख्या तो मैंने के मान लिया, तो बी बराबर क्या आ गया वन इंटू के, सी बराबर टू के, डी बराबर माइनस, ये मान समीकरण एक में रखने पर, इनको दो और तीन कर लो, रखो भैया के वाई प्लस टू के जेड माइनस फोर के बराबर जीरो, पूरे समीकरण में के का भाग देने पर टू जेड माइनस फोर बराबर जीरो, आंसर मिला लीजिए, सही है। तो आपको अच्छा ऐसा स्तब होगा जब आप अगला सवाल करेंगे, ना कि ये अगले में क्या है वो जेड अक्ष के समांतर, तो जेड का गुणांक नहीं होगा, समीकरण मानना ए एक्स प्लस बी वाई प्लस डी बराबर जीरो।
और ये एक बहुत यूनिक कंसेप्ट है जो बहुत नॉर्मल चीज़ होती है। अब मैं ये कहूँ कि आपने पुराना याद है, ये तो बेवकूफ़ी होगी कहना, ठीक है, तो फिर आपको थोड़ा याद रखना ही पड़ेगा। देखिए, दो रेखाएँ एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, है ना। अगर वो रेखा ये है 2x प्लस वाई प्लस 3 बराबर 0 और 3x माइनस 7y प्लस माइनस 4 बराबर 0 ऐसे, तो इन दोनों के प्रतिच्छेद बिंदु से होकर एक और रेखा जा सकती है, ठीक है। उसका समीकरण बनाने के लिए अपन दोनों रेखाओं के समीकरणों को मिला देते हैं प्लस लैम्डा लगा के। अब मैं ये नहीं बोल पाऊंगा कि आपको ये पुराना याद होगा, किसी को भी याद आया नहीं आया होगा, एक पूरी प्रश्न वाली बड़ी बने लेवन था, दो प्रतिच्छेद बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा का। चलिए छोड़िए, ठीक है, अब आ जाते हैं अपन आज की बात पे। आज की बात ये है, लाओ जरा तख्ती कोई भी, हाँ देखो, जैसे ये एक समतल है और ये एक समतल है, तो दो रेखाएं एक दूसरे को बिंदु पे काटती हैं और दो समतल एक दूसरे को ये काट रहे हैं, तो काय पे काटते हैं, एक रेखा पर, रेखा पर। अब इस रेखा से होकर कोई और समतल भी जा सकता है, हजारों जा सकते हैं, ये भी जा सकता है, ये भी जा सकता है, कोई भी जा सकता है। तो आपको अहम तरह समीकरण निकालना जो इसकी प्रतिच्छेदी रेखा से होकर जाएगा, और ऐसे बहुत सारे हो सकते हैं, इसलिए आपको एक बिंदु भी दिया जाएगा, आपको एक बिंदु को, भाई ये वाला समतल ऐसा है कि इस रेखा से होकर जा रहा है और साथ ही साथ इस बिंदु से होकर जा रहा है, समझ में आया। तो कुल मिला के दो समतलों की प्रतिच्छेदी रेखा से होकर जाने वाले समतल का समीकरण आपको निकालना है, जैसे दो रेखाओं के प्रतिच्छेद बिंदु से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण, तो उन दोनों समीकरणों को क्या कर देते हैं, मिला देते हैं, और कुछ दिमाग नहीं लगाना, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर दो समतल दिए गए, दिख रहा है आपको, विशेष बात यह है कि दोनों के बराबर में क्या होना चाहिए, जीरो। अगर नहीं है तो पहले आप पक्षांतर करके बराबर में क्या लाइए, जीरो। अब इन दोनों समतलों की प्रतिच्छेदी रेखा से होकर जाने वाले समतल का समीकरण, बस इन्हीं समीकरणों को मिला दो, दोनों आ जाएंगे, बिंदु दो एक से होकर अतः यह बिंदु समतल के समीकरण को कितना है माइनस दो बटे तीन। अब जरा मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा तो समझ में आएगा, तीन का गुणा यहाँ होगा बेटा, ठीक है, तीन त्रिका तीन दूनी छह, तीन चौके बारह, और यहाँ का बड़ा होगा दो का, टू एक्स माइनस टू वाई माइनस टू जेड प्लस और बटे का तीन, यहाँ आप लिख सकते हैं पूरे समीकरण में तीन का बड़ा करने पर, यहाँ सब में तीन का बड़ा हो गया और यहाँ तीन से तीन कैंसिल हो गया, चलिए हो गया, नौ एक्स में से दो एक्स गए सात, तीन वाई दो वाई पांच वाई, छह जेड में से दो जेड गए चार जेड, बारह में चार गए आठ, आंसर मिला लीजिए, समझ में आया।